बात कहां से चली थी कि पूरनमल की मौसी पूरन के ऊपर अपने साथ में अश्लील हरकत करने का इल्जाम लगा देती है और राजा सलेभान से उसको मृत्युदंड का आदेश करवा देती है। पूरनमल को जल्लाद उसके हाथ पैर काटकर जंगल में एक कुएं में डाल देते हैं। वहां गुरु गोरखनाथ के डेरे थे। गुरु गोरख के शिष्य जब कुएं पर पानी भरने आते हैं तो पूरन को कुएं से निकालकर गुरुजी के पास ले जाते हैं। पूरनमल गुरु गोरखनाथ का चेला बन जाता है। उन दिनों चीन देश की राजकुमारी अपने माता पिता के स्वर्गवास के कारण स्वयं ही राज किया करती थी। ज्योतिषी ने उस राजकुमारी सुंदरादे को बताया था कि तेरी शादी किसी साधु के साथ में होगी, तो राजकुमारी जो भी साधु भिक्षा लेने जाता था उसे भिक्षा देकर तलवार से मार दिया करती थी। उसका कहना था कि मैं दुनिया में किसी भी साधु को जीवित नहीं छोड़ूंगी, तो मेरी शादी साधु के साथ में कैसे हो सकती है। लेकिन प्रेमियों, होनहार बलवान होती है। जब पूर्णमल सुंदरादे के महल में भिक्षा के लिए अलख जगाता है तो सुंदरा एक हाथ में भिक्षा और एक हाथ में कटार लेकर आती है। पूरनमल का रूप देखकर मोहित हो जाती है, कटार हाथ से छूट जाती है। पूरनमल के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि जोगी, मैं तो मन चित्त से आपके अधीन हो गई हूँ। मेरा ये यौवन, ये रूप सौंदर्य तथा राजपाट का सब वैभव आपको समर्पित है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पूरन सुंदरादे को दूर से बात करने के लिए कहता है और शादी से इनकार कर देता है। पूरनमल व सुंदरादे दोनों के सवाल जवाब होते हैं, क्या कहते हैं। चाहिए मैं फकर सन्यासी, राज पाठी और बहु मिले से हुरिया सोड़ा रासी। हाँ मन बहु की चाहना कोना मैं फकर सन्यासी, जूट मने तेरा ताज ना चाहिए। विश्वामित्र की ढाला तने आनी लाज ना चाहिए। जुन से कर्म से भक्ति भंग हो ऐसा काज ना चाहिए। जगह ना हुए कदे मावस और पूरन मासी, धनराज पाठी और बहु मिले से लगेगा सुंदरा गातनाथ का छूने में। एक पल भी ना लागे पूरने इसा भरम खूने में। मैं जन्म जति जोगी सुंदरा
चंद्रा तप्या करूं पच धूणे मैं निर्मल ज्ञान गुरु से पाया काटे फंद चौरासी राज पाठी और बहू मिले से पूरिया सोना रासी ओ राजपाट बहू कोना चाहिए मैं फकर सन्यासी छाई भी बुरी वीर की करा कराया घट जा सुंदर राजकुमारी ते कोने क्या करने से नट जा अपना धर्म घटाऊं कोना मेरे आगे ते हट जा हबली तने बने रहो मैं साधु बनवासी भोजन ना चाहिए मैं राख गोल पी जाऊं दिल में रखूं तने छिपा के किसी ने नहीं दिखाऊं तने 1700 साधु मारे 1700 साधु मारे तेरी शक्ल देखनी ना चाहूं राम पालना गेरे गल में फांसी राज पाठी और बहू मिले से पूरिया सोला रासी ओ मन बहू की चाहना कोना मैं फकर सन्यासी राज पाठी और बहू मिले से इस प्रकार से प्रार्थना करते करते राजकुमारी सुंदरा पूरण के चरणों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब तक सुंदरा दे 1700 साधुओं को मौत के घाट उतार चुकी थी। अतः पूरण मन ने यह निश्चय किया कि सुंदरा दे को सबक सिखाना चाहिए। अतः सुंदरा दे के होश में आने पर पूर्णमल कहता है कि देवी मैं अपनी इच्छा से तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे गुरु गोरखनाथ हैं। यदि तुम उनसे अनुमति प्राप्त करो तो मैं तुमसे शादी कर भी सकता हूँ। अतः सुंदरा दे गुरु गोरख के पास में जाती है, उनसे क्या विनती करती है और गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं। कहां से आई है तू क्वारी से या ब्याही से किस कारण परेशान फिरे दे मन की बात बता मैं तेरी शरण में आई सु
संतों की तू दिखे कन्या क्वारी। मेरा नाम सुंदरा दे बाबा, मैं सूरज कुमारी। हो छोड़ के महल अड़े आगी, तेरे कुण सी से लाचारी। मन की बात बता सुंदरा, खोल के साफ सुना सुंदरा। तेरी मन चाही कर दूंगा और मिटूंगा व्यथा। चन दिया कोना जागा खाली, तेरे जो बन का चमन सूखरा मिला नहीं माली। हाँ नगर शहर घर गाम छोड़ के तू मोझा में आली। मैं बनगी बांजर भूमि तेरे थोरे से हाली। तेरे मरज की अड़े बुटी ना, मेरी बात ना झूठी ना। इश्क रोग में मरी पड़ी मन, दे दिए दवा। हो कौन कहां से आई से तू पारी से आ जाही से, किस कारण परेशान फिरे दे मन की बात बता। सारे सन्यासी तेरे हाथ में बाती गुरु दे, काट मेरी फांसी। किस ते फेरे गिरवा दू, क्यों कर रही से हंसी। पूरण मल के चरणों की मन बना दिए दासी। हो पूरण संत जति सुंदरा, माने ना बात कति सुंदरा। भक्ति भंग हो जागी उसकी, तू क्यों रही पाप कमा। महात्मा तू क्वारी रानी, देखे वचन नाटिए मतना, मैं भिक्षुक तू दानी। ओ जाले जा पूरण मल ने और कर ले मन मानी। गुरु शंकर ना स्वर्ग का वासा, मिटगी परेशानी। ओ रामपाल का काम बम भेटा, गुरु कृपा ते जा दुख मेटा। सरस्वती की कृपा तेनू ही घड़ता रहे कथा। क्वारी सया जाही से, किस कारण परेशान फिरे दे मन की बात बता।
अब तो गुरु गोरखनाथ बातों ही बातों में सुंदरादे को वचन दे चुके हैं। और फिर पूरणमल को आदेश देते हैं कि प्रिय शिष्य, जब तुम पहले से ही राजकुमारी को शादी का आश्वासन दे चुके हो तो जाओ और सुंदरा से शादी करो। और फिर चीन देश का राज सुख प्राप्त करो। लेकिन पूर्णमल ऐसा करने से कुछ आनाकानी करता है। गुरु चेले के सवाल जवाब होते हैं, क्या कहते हैं? जा पूरण मल ऐस भोग तू बेस फकीरी तार दिए। भजन करूं और थारी सेवा मेरा सर पुचकार दिए। जा पूरण मल ऐस भोग तू बेस फकीरी तार दिए। मैं भजन करूं और थारी सेवा मेरा सर पुचकार दिए। भला के चाहिए तने छोड़ के ना जाऊं। गुरु तू मने छोड़ मत जाइए। और क्यों भटके से जंगलों में जा राजभवन में रहिए। तेरे चरण से स्वर्ग धाम गुरु मत जाने की कहिए। और दुनिया के आनंद भोग ले के आनंद भोग ले। कर्म ने कोले करार दिए। मने भेजने ते अच्छा गुरु कति जानते मार दिए। जा पूरण मल ऐस भोग तू देश पखीरी तार दिए। मैं भजन करूं और थारी सेवा मेरा सर पुचकार दिए। सब धर्म होते बड़ा बताया पूरन धर्म घरस्थी का। मेरे बस की नहीं गुरु जी करना कर्म घरस्थी का। कुछ दिन में तू आप जान जा असली मर्म घरस्थी का। मुँह देखन में भी पाप चढ़े से गुरु बेशर्म घरस्थी का। सुंदरा देते वचन भरे मत कहना कर बेकार दिए। मैं ना जाऊं मेरे बदले में भेज और दो चार दिए। जा पूरण मल ऐस भोग तू देश फकीरी तार दिए। मैं भजन करूं और थारी सेवा मेरा सर पुचकार दिए। और पालकी रथ में
जाया करिए सैल करने। सुंदरा देखे इसे क्रम से हट जागी गुरु अभिधरण। सुंदरा राजकुमारी ते मन पूरन मल कर लिया परण। पटक पटक सिर मर लूंगा गुरु जहाँ रहेंगे थारे चरण। और अपना फर्ज निभाइए बेटा, अपना फर्ज निभाइए बेटा, सबने पूरा प्यार दिए। या संतों की हत्यारण से तू इसने दूत कार दिए। जा पूरन मल ऐस भोग तू ऐस फकीरी तार दिए। भजन करूं और थारी सेवा मेरा सिर पुचकार दिए। राजा का बेटा सैतन वे स्थान मिलेगा। जंगल और पहाड़ों में मन सच्चा ज्ञान मिलेगा। भूमंडल का राजा बन असली सम्मान मिलेगा। रामपाल का सदा गुरु चरणों में ध्यान मिलेगा। या सुंदरा दे दुखियारी से, या सुंदरा दे दुखियारी से करे इसका बेड़ा पार दिए। जीते जी न पड़ू नरक में कर मेरा उद्धार दिए। जा पूरन मल ऐस भोग तू भेस फकीरी तार दिए। मैं भजन करूं और थारी सेवा मेरा सिर पुचकार दिए। इस प्रकार से पूरनमल सुंदरा दे के महल में आ जाता है और उससे शादी रचा लेता है। अब तो रानी पूरन को एक पृथक कक्ष में विश्राम आदि के लिए ले जाती है। सेज पर विश्राम करने के लिए कहती है, लेकिन पूरन उसे साफ कहता है कि देवी, तुमने यह शादी मेरे साथ जिद करके रचाई है। मैं तो योगी हूं, मेरा चित्त योग साधना में और ईश्वर भक्ति में ही लीन रहता है। मैं ग्रस्त सुख से बहुत दूर हूं और योग समाधि में परमानंद में मस्त रहता हूं। तुमने 1700 निर्दोष साधुओं की हत्या की है, इस महापाप का दंड तुझे अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार से सुंदरा देव पूरन के बीच में शादी होने के बाद क्या वार्ता होती है, सुनिए रागिनी में। करके घाल तड़पती छोड़ी करके घाल तड़पती छोड़ी को न्या करी दवाई। ओ हो, मैं तेरे रोग का वैद नहीं, तू बार बार समझा। करके घाल तड़पती छोड़ी
मदद से। स्वाद ना जाने एक सी गर्मी और सरद से। कुछ तो कर ले तरस दड़े क्यों बनरा पकड़ कसाई। ओ हो इश्क कमावे साधु से तने शर्म ना आई। सबे शर्म बतावे। चिकना घड़ा बड़ा पूरण तन दिल का नरम बतावे। निर्दोषी साधु मारे तेरे पाप का कर्म बतावे। सुल्फा गांजा मारी खुराक बताई। करके घाल तड़पती छोटी कोन्या करी दवाई। अपना कुल दाग भूत और प्रेत पिशाच नहीं क्यों दूर मेरे ते भागे। जान बूझ के पाप करा तेरे एक दिन आवे आगे। डोजी विष की भरी भराई। करके घाले तड़पती छोटी कोन्या करी दवाई। था जाल तने घुट घुट के मारे जांगी पूरण करया नहीं जो ख्याल तने। ग्राम बम भेटा बूझ लिए वहां मिल जागा रामपाल तने। हो भारत दोनों का ब्याह हो गया अब कर दे मन की चाही। ओ हो सोने में ना जर लागे ना जमे दूध में काई। करके खाली तड़पती छोटी कोन्या करी दवाई। इस प्रकार से कहते कहते पूरन अपने योग से सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है और फिर वहां से
अंतर्ध्यान हो जाता है। राजकुमारी पूरन को चारों तरफ देखती है लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तो वह महल की छत पर से नीचे गिरकर आत्महत्या कर देती है और पूरन वहां से चलकर अपने पिता की राजधानी शालकोट में आ गया। शालकोट के बाहर राजा का बगीचा था जो कि अब सूख गया था तथा कुएं तालाब भी सूख गए थे। पूरन अब साधु के वेश में बाग में आता है तो सब पेड़ हरे हो गए, कुओं में भी पानी भर गया और तालाब भी जलमग्न हो गए। पूरन ने बाग में अपना धूना लगा दिया और बाग का माली सब कुछ देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। दौड़कर राजा सलेवान के पास जाता है और साधु के बाग में आने तथा उसके आने से सभी सूखे पेड़ हरे हो जाने की बात बताता है तो राजा बड़ी खुशी से रानी नुनादे को साथ में लेकर महात्मा के दर्शन करने बाग में आ गया। रानी नुनादे महात्मा के पास आकर के सिर झुकाती है, कहती है कि संत जी, क्या मेरे भाग में कोई पुत्र नहीं है? मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दो। तो पूरन कहता है कि रानी, तुमने कोई अपराध जरूर किया है, इस कारण तुम्हें पुत्र पैदा नहीं हुआ। तुम सच सच बताओ कि क्या तुमने अपने सौतेले बेटे पूरन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसको नहीं मरवाया? तो साधु क्या कहता है और रानी क्या जवाब देती है? हाँ मौसी और बेटे के माँ किसका था खोट, भरम मत फोड़े में रही पाया के मालोट। मौसी और बेटे के माँ किसका था खोट, बाता न जानू सू तू भेद ना छिपाइए। पति जान काढ़ लेगा संत जी बचाइए। सब बाता न जानू सू तू भेद ना छिपाइए। बात कहिए मत करे पल्ले की ओट, कुछ कहने से पहले मेरा दिए गाल घोट। ओ मौसी और बेटे के माँ किसका था खोट, तले न झुकी हुई। तू पढ़ने पानी ना पावे, शर्म रहने दे लुकी हुई। तू आंख पे आंख मिला रानी, क्यों नाड तले न झुकी हुई। तू पढ़ने पानी ना पावे, शर्म रहने दे लुकी हुई। क्यों तू इतनी दुखी हुई, क्यों तू इतनी दुखी हुई के
जिगर पे चोट। बुआ जी तेरा चाहया था पर उल्टी पड़ गई गोट। हो मौसी और बेटे के माँ किसका था खोट। हरम मात भोड़े में रही पहया के मलोट। हरम मात भोड़े में रही पहया के मलोट। दोनों में ते आज बता दे थी किसकी मकारी। पूरण मल निर्दोष थार मेरी गलती थी सारी। और दोनों में ते आज बता दे थी किसकी मकारी। पूरण मल निर्दोष थार मेरी गलती थी सारी। जुलम क्यों करा था भारी जुलम क्यों करा था भारी। दरी पापी पोट मन मिलानी चाही थी उस पूरण मल तजो। हो मुसी और बेटे के माँ किसका था खोट। खोटे बता मने बिना खोटे बता मने तने क्यों जल्ला बुलाया। अरे मेरा दे भेद खोल न्यू झूठा पलम लगाया। बिना बात बे खोट बता फिर क्यों जल्ला बुलाया। रामपाल तेरी बात सुनी तो लगी जिगर पे चोट। मतना आगे जिगर चला रही पाया के मलोट। हो मुसी और बेटे के माँ किसका था खोट। अब तो साधु व रानी नुनादे के बीच में सब बातें साफ साफ खुल जाती हैं। और नुनादे हां कर लेती है कि महाराज ये सच है कि मैं पूरण पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो अब तो राजा जो कि नजदीक बैठा हुआ इन बातों को कान लगाकर सुन रहा था तिल मिला उठता है। तुरंत म्यान से तलवार निकालकर रानी नुनादे की तरफ उसे मारने को दौड़ता है। तो साधु राजा की तलवार हाथ से पकड़ लेता है। साधु व राजा सलेभान में क्या बात होती है रागनी में पेश है। और सिंह राजा ने अपना देगा लिया कार्ड ज्ञान ते बार। फुर्ती करके उठा महात्मा पकड़ लई तलवार। सिंह राजा ने अपना देगा लिया कार्ड ज्ञान ते करके उठा महात्मा झट पकड़ लई तलवार।
आत्मा झट पकड़ लई तलवार। हटे जा अभी नहीं साफ हुआ तू टुक थोड़ा सा डट जा। और वो मानस ना किसी दिन का जो बात कहे और नट जा। साफ मुकदमा हो जागा अभी दूध और पानी छट जा। मैं समझ गया महाराज गाली देनी ठीक नहीं तन समझाऊं हर बार। और सिंह राजा ने अपना के गालिया पाड़ना न ते बार। तुरती करके उठा महात्मा पकड़ लई तलवार। समझ गया मैं इसी रांड की सारी चालाकी। नाहन गहन के मौके पे बे मतलब झोदी चाकी। और बेटे खड़ी डान लिकर की या कितनी मकार। करूं फैसला माँ बेटे का था कुन सा गुनागार। और धरे बैठी। धीरज धार शांति करिया जर मैं आप जरे बैठी। और पूर्ण सा बेटा मरवाया हल्लू इसका सिरतार। पैदा सोई न पैद हुआ आता जाता संसार। सिंह राजा ने अपना देव गालिया काट जान ते करके उठा महात्मा पकड़ लई तलवार। बेटे का बदला लूंगा मैं एक सुनो ना मूड़। क्रोध पे काबू कर राजा थी तेरी भी कुछ भूल।
खरी शिकायत बार उछाड़ी सूरज ऊपर धोड़े पहुंच बंभेटा ज्ञान मिले गुरु चरणों में इस गूल और मन की चाही कर लेने दे मेरा दब जागा गुब्बार रामपाल इंसाफ मिले उसी ईश्वर के दरबार साधु महाराज की तलवार को पकड़ कर कहता है कि राजन आप जरा शांति से धैर्य से काम लो। इतनी जल्दी गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। आप बड़ी तसल्ली से रानी नुनादे से ये स्पष्ट पूछिए कि पूरन के साथ तुमने अन्याय किया या नहीं, और किया तो क्यों किया। तो राजा रानी नुनादे से क्या पूछता है और रानी क्या बताती है। मेरे आगे ते हट जा पापने मतना शान दिखावे पण मतना शान दिखावे मेरी नार काट ले साजन रे जिंदगी नहीं सुहावे तेरी शक्ल देखे ते दायन पड़े आग में घीसा जो तू चाहे सजा दे लिए आ जागा फिर दीसा क्रिया चरित्र कैसा हो तन आज दिखा दिया शीशा तेरा साथ मन भावे हो तेरे पेट में मारी कटारी सभी दर्द मिट जावे हो मेरे आगे हट जा पापण मत ना शान दिखावे बेहुदी तू बेहुदी बदकारांड घनी ज्यादा बोले मत ना बेटा खानी बनी पिया मेरे पाप ने तो ले मत ना कच्चे घाम में चीरा देखे ज्यादा छोले मत ना तेरे बहकावे मैं आ गया मन दुनिया बुरी बतावे हो पाप की दलदल में धसगी पी जड़े रहना पावे हो मेरे आगे ते हट जा पापण मत ना शान दिखावे Thank you.
भरना घाव भरे गाय से गिर दिए छले। गए ताले मेरी आँखें पे पड़ गए थे पिया हमद जो बन के जाले। यूं कहने ते पता रांड के बेटा उल्टा वे आगा पीछा भूल गई मन पाप चुन के खावे। मेरे आगे ते हट जा पापने ना शान दिखावे मेरी नाड़ काट ले साजन रह जिंदगी नहीं सुहावे। न्यारे हाँ ब्याहे पति ते धोखा करगी डूब के कहीं मरी को ना मेरी गलती हुई पिया मन दिल में भी धरी को ना। के सोचूं था के होगी के सोचूं था के होगी तू पाई रांड खरी को ना। रामपाल भी कलिहारी तेरे पाप की कथा बनावे ओ इसे जीने ते मौत भली जब दुनिया उंगली ठावे हो। मेरे आगे ते हट जा पापने मत ना शान दिखावे प्रकार से। जब रानी नूनादे अपना जुल्म कबूल कर लेती है तो पूरनमल अब साफ बता देता है कि पिताजी मैं आपका बेटा पूरनमल ही हूं जिसे आपने जल्लादों को सौंप दिया था। और जब पूरन ने अपना नाम बताया तो पूरनमल की मां इंछरा जो कि साधु के दर्शन करने वहीं बगीचे में आई हुई है और अपने बेटे के गम में रो रो कर अंधी हो चुकी थी अब दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और क्या कहती है। मेरी गोदी में आ जा मेरे लाडले देख तेरे बिना मेरा तरसे जिया। तू जब से गया है मुझे छोड़कर मैंने अन्न खाया ना सुख से पानी पिया। मैंने अन्न खाया ना सुख से पानी पिया। अंधी हो गई तेरे गम में रोऊं थी मैं बोझ जिंदगी का बेमतलब ढोऊं थी मैं। तेरे जाने से जिंदगी को खोऊं थी मैं। मुझ दुखिया का बेटे फटे था हिया। मुझ दुखिया का बेटे फटे था हिया। जो आंखों में चमके वो तारा है तू रामपाल बूढ़ी माँ का सहारा है तू। चल घर चल मुझे जी से प्यारा है तू। तन्ने भगवाए बाणा क्यों धारण किया। तन्ने भगवाए बाणा क्यों धारण किया। और अब तो पूरन का पिता राजा सलेभान बहुत दीनहीन होकर के पूरन से घर चलने की विनती करता है। क्या कहता है और पूरन क्या जवाब देता है।
पूरण रे अपना तुराज संभाल रे चल घरे तेरे ना करे पिताजी रमता जोगी तेरा लाल हो मेरी पिता मेरे ना करे पूरण रे तेरे भ्राता कौन किसे का बेटा बेटी कौन किसे की माता हो कौन किसे की माता पूरण रे तू ही मेरे कुल की मसाल रे राज में फेर ना करे पिताजी रमता जोगी तेरा लाल हो मेरी पिता मेरे ना करे रहता होगा परेशानी में जहाँ मुसीबत ने खा ले देऊं अग्रज धानी में देऊं अग्रज धानी पूरण रे मत रखे दिल हेर फेर ना करे प्रेमी सजनों पूरण मल का किस्सा आपने मेरे द्वारा गाया गया सोनोटोन की कैसेट में सुना धन्यवाद और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम